इनमें आपको पॉइंट है पूछने वाला तो यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज आई विल बी प्रोसीडिंग अहेड विद द न्यू पॉइंट्स विद आप। मॉर्निंग मीटिंग। हाँ बोलो। बैठिए बेटा, देर आर सो मैनी थ्योरीज विच आर पुट फॉर बाय द डिफरेंट पीपल और डिफरेंट साइंटिस्ट और डिफरेंट रिसर्च वर्कर्स रादर, अंटिल और अनलेस दैट गेट्स पब्लिश्ड एंड गेट अप्रूवल फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तब तक हम ये नहीं कह सकते। अभी तक तो जो आप ऑलरेडी कर रहे हो दैट इज वैलिड अप्रूव्ड बाई ऑल, तो दैट्स परफेक्टली टू बी स्टडीड एज सच। जब तक आपको कोई परफेक्ट ऑथेंटिकेशन नहीं मिलती है वी कांट से एनीथिंग, राइट? यस। नो, बैठिए मैं बता देता हूँ। पहले मुझे ये बताइए कि जितना आप काम ऑलरेडी कर चुके हो उसमें कोई आपको डाउट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है किसी भी बच्चे को? जी, हाइट के साथ कैसे वेरी करती है, डेप्थ के साथ कैसे वेरी करती है, पोल्स पे आप कैसे निकालते हो, इक्वेटर पे कैसे निकालते हो, एंड ऑल दैट, किसी भी पॉइंट के बारे में कोई आपको कंफ्यूजन या शक वाली बात तो नहीं? बैठिए मैं बता देता हूँ आपको ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होंगे। आपके हाथ में कोई टूल है, कोई चीज है आपके हाथ में, आपको कहाँ पे यूज करनी है ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। आप एग्जाम में जब अपीयर होते हैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए कि क्या वो हाइट के साथ या डेप्थ के साथ या साइज के साथ या शेप के साथ वेरिएशन की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली वी विल गो ऑन अप्लाइंग दीज रिलेशनशिप्स। बैठिए, कौन सा क्वेश्चन डाला है पकड़ाओ मुझे क्वेश्चन, पहले यही देख लो आप। एक मिनट में कर देता हूँ। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज एफ एंड हाउ विल दिस फोर्स चेंज इफ द डिस्टेंस इज रिड्यूस टू वन हाफ और वन थर्ड, ये कह रहे हो? वो भी करवा देते हैं, बैठो पहले। आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, इनके बीच में इनके रादर सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, आप बोल दो बेटे 11 रोल नंबर क्या कहना चाहते हो आप? स्मॉल आर के सर, मुझे ना सर जो इस सेट का सेकंड क्वेश्चन है मुझे इस पे डाउट है कि वो हाइट वाला क्वेश्चन था। मैं बता देता हूँ, सारे बता देता हूँ, वो भी स्विम करा देना। ये आपके पास दो कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं, इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस आर के बराबर है और इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल एफ के बराबर है और वो फोर्स आप जानते हैं जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर हुआ करता है। तरीका जरा देख लीजिएगा आप। यू जस्ट कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर वन। अब नया डिस्टेंस जो है दैट इज मेड दैट इज रिड्यूस टू वन थर्ड, सो आपके ऑब्जेक्ट्स के बीच में न्यू डिस्टेंस जो है That is R dash, और आपको ये वन थर्ड ऑफ R दिया हुआ है। आप कहाँ से आ रहे हो? वेरी नाइस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बुलाया था, ठीक है, हाँ चले गए आप फिर, वो भी ठीक है। नहीं, उन्होंने ये थोड़ी कहा कि आप लेट जाए क्लास में। चलो बैठो फटाफट। न्यू फोर्स इनके बीच में आ जाएगा एफ डैश जी, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। आप एक लेट आ रहे हैं, सो मच डिस्टर्बेंस इज बीइंग क्रिएटेड इन द क्लास, इससे बेटर है आप वहां पे फिर अब
नहीं बेटे देखो आप आ गए, शांति से बैठ जाइए अब, तो दिस शुड नॉट बी देयर ना। जी एम एम अपॉन आर डैश का स्क्वायर आ जाएगा, न्यू डिस्टेंस आर डैश है, आर डैश की ये वाली वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो आपका एफ डैश जो है जी एम एम अपॉन वन थर्ड ऑफ आर, इसका स्क्वायर कर दें, इसको स्क्वायर को अगर कंप्लीट करेंगे इट विल बी जी एम एम आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 ही होता है। देन व्हाट्स द प्रॉब्लम, इसको उल्टा कर लीजिए, ऊपर ले जाइए, 9 जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर इक्वेशन। एक मिनट बेटा, हाँ जी, ये आपका डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था, इट कैन बी शिफ्टेड अप, राइट बेटा, वो रहा है। और हाँ जी बहुत अच्छा किया आपने, सुन लीजिए जरा, सारे स्टूडेंट सुन लीजिए, आपने ऐसा किया तो बड़ी अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ ऐसे वो नोट कर लें, मैं यही चाहता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर लीजिए, यूजिंग बेटा सारे स्टूडेंट से एक बार देख लेना सिस्टमेटिक वे में हम कर कैसे रहे हैं, बाकी मुझे पता है आप इंटेलिजेंट लोग हैं, आप जल्दी से कर लोगे, अडेप्ट कर लोगे। एक बार वो प्रोसीजर देखना होता है कि किस तरीके से एक स्टेप के बाद दूसरा कौन सा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा कौन सा, तीसरे के बाद चौथा कौन सा, उसके बाद राइट। बाकी आप समझदार हैं काफी, एफ डैश इज इक्वल टू 9, ये चीज आपकी एफ के बराबर लिखी हुई है, तो आपका जो न्यू फोर्स हो जाएगा दैट विल बिकम 9 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, हम बोलो 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 क्वेश्चन, तुम मेरे पास थोड़ी लिखा पड़ा है। सर मैं स्पीक, हाँ बोलो, आप बोलो क्वेश्चन। सर इफ द वेट एट द सरफेस इज 63 न्यूटन, कैलकुलेट द वेट एट अ हाइट ऑफ 1/2 ऑफ रेडियस ऑफ। रुको जरा रुको, मैं निकालता हूँ। यस वेट, एक मिनट बेटे एक मिनट, ये बच्चे का भी प्रॉब्लम है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 63 न्यूटन, जब हाइट हम आर बाई 2 के बराबर कर देंगे तो वेट कितना होगा, आइए एक बार इसको भी देख लेते हैं। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया किया आपने, वेट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेकेंड क्वेश्चन है किसी सेट का, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फिस ऑफ अर्थ 63 न्यूटन आपको दे रखा है, आपको वेट एट ए हाइट एच निकालना है, और हाइट एच आपको आर रेडियस ऑफ द अर्थ का हाफ दिया हुआ, इतना ही है बेटे 11 रोल नंबर। यस सर। हाँ देखिए जरा, आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय विच इट इज रेज्ड, इट इज गिवन 1/2 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, इट इज वेरी 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 लार्ज हाइट, सो वी मस्ट बी यूजिंग द रिलेशनशिप दैट जी एट ए हाइट एच, जी ऑन द सरफेस आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। प्लीज सुन लीजिएगा, जब मैं फिर लिखने लग पड़ता हूँ आप अपना बोलना स्टार्ट कर देते हैं, एक बार समझ लो। तो इसको जी को दोनों तरफ हम मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा वेट बन गया था, मास जी एट ए हाइट एच, ये आ गया आपका रिलेशनशिप आर प्लस एच का कंप्लीट स्क्वायर, इसको आप वेट बोला करते हो, दिस इज वेट एट ए हाइट एच, वेट ऑन द सर्फिस आर का स्क्वायर, आर आपका रेडियस ऑफ अर्थ है यहाँ पे, ठीक है जी, और आर प्लस एच का स्क्वायर, ये चीज आ गई, एच की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, कर दें,
हाँ करेंगे बेटे करेंगे, आप चिंता मत करिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप तो मतलब जल्दी कर जाते हैं, फिर जल्दी में गलती भी कर देते हो आप। इट इज आर का स्क्वेयर, आर प्लस एच कितना था, आर बाई टू इसका स्क्वेयर। आर प्लस आर बाई टू कितना होता है, आर प्लस आर बाई टू कितना होगा, वेरी गुड। ये टू आर स्क्वेयर कौन कह रहा है अभी, टू आर बाई टू कैसे आ गया। डब्ल्यू एट ए हाइट एच, वेट ऑन द सरफेस आर का स्क्वेयर, ये आ गया टू, टू आर प्लस आर इट इज देयर। इट इज देयर सो वेट एट ए हाइट एच, वेट ऑन द सरफेस आर का स्क्वेयर, आर प्लस टू आर कितना होता है, थ्री आर, थ्री आर बाई टू का स्क्वेयर आ जाएगा। और कर दें आगे की रहने दें, तो ध्यान दो ना फिर आप। वेट एट ए हाइट एच इट इज वेट ऑन द सरफेस आर का स्क्वेयर, नाइन बाई फोर आर का स्क्वेयर आ गया। आर का स्क्वेयर कट जाएगा। वेट एट ए हाइट एच इज वेट ऑन द सरफेस, सरफेस दिस इज फोर बाई नाइन। उल्टा सीधा नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहे हैं। वेट एट ए हाइट एच, वेट ऑन द सरफेस 63 था, दिस इज ऑल यू हैव टू कैलकुलेट इट, राइट, क्लियर टू ऑल। हाँ जी बेटे बताइए, उठ जाइए। बैठिए बेटे, उनका जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो उस ऑर्बिट में बैलेंस हुआ पड़ा है, इसलिए नहीं आते। अगर किसी स्टेज पर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ उन पर डोमिनेंट हो जाता है, इन सच केसेस कभी कभी वो फॉल कर भी जाते हैं, मे बी एटमोस्फियर में बर्न कर जाएं, मे बी उनमें से कुछ अर्थ की सरफेस पे पहुंच भी जाते हैं। अदरवाइज जिस भी ऑर्बिट में वो रोटेट कर रहे हैं वहां पर उनका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ ऑलरेडी बैलेंस हुआ पड़ा है। किसी स्टेज पर अगर कोई फोर्स का इम्बैलेंस होता है देन दे फॉल ऑन द सरफेस ऑफ। और कोई क्वेश्चन, यहाँ बच्चा कह रहा था ये सबके क्लियर हैं। हाँ बोलो। हाँ बेटे लिसन, एक हमारे पास सेकंड रिलेशनशिप और भी है वेट के लिए, जब आपका ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा थोड़ा होगा देन वी विल बी अप्लाइंग दैट। मतलब अगर आपको कह दें कि 50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है, देन यू विल बी अप्लाइंग दैट फॉर्मूला, राइट। और किसी स्टूडेंट का कोई पॉइंट हो बेटा पूछने वाला, स्पेशली रिलेटेड टू द टेस्ट बेटा, डेप्थ वाला भी करवा देते हैं, बोल दीजिए क्वेश्चन एक बार। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, जो हम जब हाइट कम होती है दूसरा रिलेशनशिप होता है, तो हम कम हाइट कहाँ तक, कौन सी रेंज तक गिने। जब हाइट कम हो बेटा, बहुत ज्यादा कम हो, जब आप अर्थ का रेडियस जानते हैं 6400 किलोमीटर है, अगर यस इसके सर। कंपैरेटिवली हाइट बड़ा थोड़ा है देन यू कैन अप्लाई दैट। ओके सर। हाँ बोलो क्वेश्चन बेटा, क्या था आपका। वेट एट द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 250 न्यूटन एंड वी इंटेंड टू कैलकुलेट द वेट एट ए डेप्थ इक्वल टू 1/2 ऑफ द रेडियस। याद है मुझे, कोई बात नहीं। आइए देखें सारे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन टू बी
250 न्यूटन ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे वेट है। आप इस ऑब्जेक्ट का वेट निकालना चाहते हैं एट ए डेप्थ डी विच इज वन हाफ ऑफ द रेडियस, यही था। स्मॉल जी डेप्थ के साथ वेरिएशन का जो रिलेशनशिप है उसका, जी एट ए डेप्थ डी इट इज इक्वल टू जी ऑन द सरफेस इनटू वन माइनस डी अपॉन आर। आपने ये रिलेशनशिप डिटेल में कर रखा है ऑलरेडी। इसको दोनों तरफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जी एट ए डेप्थ डी ये आ गया, इट विल बी देयर। बेटे एम इंटू जी वेट होता है, सो आपको मिलेगा वेट एट ए डेप्थ डी वेट ऑन द सरफेस वन माइनस डी अपॉन आर। डी आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, पुट कर दें यहां पे। सो वेट एट ए डेप्थ डी वेट ऑन द सरफेस ये आ गया, आर से आर कट गया, वन में से हाफ निकाला कितना बचा हाफ। सो वेट एट ए डेप्थ डी इट इज इक्वल टू वेट ऑन द सरफेस वन बाई टू। वेट एट ए डेप्थ डी 250 इंटू वन बाई टू, दैट्स इट। क्लियर टू ऑल? हमारा छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर का फ्री फॉल क्या होता है, आइए उसको भी डिस्कस कर लें। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म फ्री फॉल एंड हाउ इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस, हम कैसे डील कर पाएंगे इसके साथ, फ्री फॉल के साथ। आइए देखिए, हेडिंग लिखिएगा अपना नेक्स्ट टॉपिक का कौन सा, वो गुड़िया कुछ और कह रही है। अच्छा ठीक है, फ्री फॉल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, इधर देखना जरा। ये मेरे पास एक चौक का पीस है, ध्यान से देखिएगा इधर। इसको अगर मैं यहां से ड्रॉप कर दूं नीचे जा रहा है, जब ये मेरे हैंड में था मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ था, इसकी बच्चों इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। और ये मेरे नीचे वाले हैंड को जस्ट टच करने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी नहीं पता हमें, वी होगी कुछ भी होगी। और इसका डायरेक्टली मतलब बेटे ये हुआ कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट से ड्रॉप कर देते हो, उसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बढ़ गई, ये तो बात आप मानते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऑब्जेक्ट का मोशन जो है दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन। अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होती है तो मोशन एक्सेलरेटेड ही होता है, और अगर फाइनल वेलोसिटी कम हो तो क्या होता है, वेरी नाइस, तो रिटार्डेड होता है। तो यहां पे इस केस में ये आपका ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। अब और थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आप ये बड़े अच्छे से जानते हैं कि जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकती। बिकॉज हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में किया था F इज इक्वल टू एम इन टू ए, आपको याद है ना? पहले हमने कहा था F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, इसको सॉल्व करते करते आप यहां पहुंच गए थे। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपका ऑब्जेक्ट बेटा जो है इसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ये तो बात आप मान गए ना। मास इसका कभी जीरो होता ही नहीं किसी ऑब्जेक्ट का, ये आप अच्छे से जानते हो, हमने बात की थी लास्ट टाइम। इट मींस कि ये जो दो चीजों का प्रोडक्ट है ये नॉन जीरो हुआ, एक ये नॉन जीरो टर्म है, एक ये नॉन जीरो टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो नॉन जीरो ही रहेगा। इसका डायरेक्टली मतलब ये हुआ कि आपके इस चौक के पीस पर जिसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं
मुझे नहीं दिख रहा लेकिन इस पे कोई फोर्स लग रही है। मानते हो बात की नहीं मानते? हमें पता ही नहीं चल रहा लेकिन इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है। हम नहीं कहते, हमारा ये सारा आपका जो साइंटिफिक नॉलेज है, थ्योरी है, ये कहती है। और ये आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कौन सी फोर्स है? क्या बात है, आपको सारा ही आता है। इट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। बेटी अर्थ हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो आपके ऑब्जेक्ट पर बेटे जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है एक्ट कर रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप फ्रीली फॉल करना अलाउ कर दें तो वो अर्थ के सेंटर की तरफ एक्सलरेट हो जाता है। ये जो उसका मोशन है दिस इज कॉल्ड बेटे फ्री फॉल। सो आइए मैं स्टेटमेंट लिख दूं, ये सारा आपको समझाने के लिए था। आई होप सबको समझ आ गया होगा पुत्र। थोड़ा सा लिख लीजिए फिर बेटा, फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल जो है बेटा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एलोन, ग्रेविटी एलोन कॉमा इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। आप इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर अलाउ कर देते हैं मूव करना, तो ये फ्रीली फॉल करने लग जाता है। अच्छा एक बात और थोड़ी सी देखिएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपका एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी आपने कहा हुआ है ऑलरेडी, और फोर्स का इन जनरल फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए भी होता है। इट विल मीन दैट आपका ए फ्री फॉल में जी के बराबर आ गया। बट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कुड़िया चुप करो जरा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड बता दो, थर्ड बता दो, फोर्थ बता दो, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, आपको नहीं पता वो अलग बात है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वेरी वेरी, हाँ जी, वी इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन है यू प्लस ए टी। वो थोड़ा स्टिमुलस मिल गया ना इसलिए याद आ गया। मैं वो ही कह रहा हूं, उसने गुड़िया ने हिंट दे दिया तो याद आ गया आपको। अब बाकी याद आ गई हैं, वेरी नाइस, ध्यान दीजिए आप। ए किसके बराबर है लिख दें, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन द फ्री फॉल आ गया। ठीक है अब बोलो सेकंड इक्वेशन क्या था वो बच्चा, दिस बॉय, उठ के बोली ऐसे नहीं, बाकी कोई नहीं बोलेगा, बोलो बेटा, सारा वरा बोलिए। लेस कॉन्फिडेंट, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस एस इज इक्वल टू, अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी रखा करो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ए किसके बराबर है? स्ट्रेट बुढ़िया, स्ट्रेट। सो एस इज इक्वल टू यू टी स्टैंड अप, थर्ड इक्वेशन बोल दीजिए आप, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक मिनट बेटे एक मिनट, वेरी स्ट्रेंज, आप बोल दो। वो बोल रहा है, वो बोल रहा है,
आगे नहीं पता है ना, टू ए। जब भी किसी क्वेश्चन का जवाब दें पॉकेट से हाथ निकाल लिया करें, ऐसे अच्छा नहीं लगता, राइट। सो थर्ड इक्वेशन आपने जैसे बताया, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, भाई जी एस नहीं अभी आया, ए किसके बराबर है लिख रहे हैं, ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द फ्री फॉल आपको मिल गया। सो बेटा हमेशा याद रखिए फ्री फॉल का कंसेप्ट क्या है, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन अलाउ कर देते हैं मूव करना, दैट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल, ठीक है। और उस केस में क्या है, आपका जो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है दैट बिकम्स इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अर्थ की सरफेस के नजदीक व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8। ये न्यूटन में कैसे आ गई एक्सेलरेशन भाई, यस बैठ जाओ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है 9.8। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, और कई बार आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं पेपर में, और हाँ जी बड़े भी पूछे जाते हैं, चिंता क्यों करते हो आप, आपको बेटे कई बार वो कह देते हैं कि अपनी कैलकुलेशंस को सिंपलीफाई करने के लिए आप जी को 10 ले सकते हैं। Yes, अगर जी को आपको जी की वैल्यू 10 दी गई हो, आप देख के घबरा ना जाएं कि ये तो जी बदल दिया उसने, ऐसा नहीं है, दैट इज जस्ट टू मेक द कैलकुलेशंस, नो दैट इज टू मेक द कैलकुलेशंस इजी, ताकि हाँ जी बोलो, तो उससे आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा, हाँ जी अप्रोक्सीमेट आएगा, तो सर वो भी सही होगा, हाँ हाँ ना ना ना, ये पोल्स पे वैल्यू इक्वेटर पे थोड़ा सा कम पड़ जाता है इससे, पॉइंट समथिंग, राइट। हाँ जी बैठिए बैठिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, अनलेस और अनटिल, अनलेस और अनटिल आपको वो कहें ना कि जी की वैल्यू 10 ले लीजिए, आपने तब तक उसको 10 नहीं कंसिडर करना, आपको क्वेश्चन जब आएगा न्यूमेरिकल या अदरवाइज किसी फॉर्म में, एंड ऑफ द स्टेटमेंट में लिखा होता है टेक जी इज इक्वल टू 10, अगर उन्होंने कहना होगा ना, आपको कह देंगे कि जी को 10 ले लीजिए, राइट। चले आगे, अब चले आगे, बुक दीजिए एनसीईआरटी वाले, एक दो प्रॉब्लम्स कर लें, किसी के पास भी होगी, एक्सरसाइज निकाल दे इस चैप्टर का, चलो थैंक यू ना कर लो। वेरी 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 स्ट्रेंज, ये चीजें एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे, आप देखो थोड़ा सा साथ साथ अगर आप अपनी कॉपी पे नोट करते जाएंगे आपको इन द एंड कोई दिक्कत आएगी नहीं, बट आप नोट ज्यादातर बच्चे नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अच्छा एक और चीज छोटी सी नोट करने वाली रह गई है बेटा, बेटे कई बार वो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इसके बारे में बात करते हैं, सो लेट अस टॉक इन दिस टर्म्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
फॉर द मून कैलकुलेट करके देखिए। आपको याद होगा डियर चिल्ड्रन, हमने निकाला था जी जो है ये जी एम अपॉन आर के स्केयर के बराबर होता ही, आप कर चुके ऑलरेडी। अगर आप बेटे ये तो चलिए आपने अर्थ के लिए करेंगे, अगर तो आप यहाँ पे अपना अर्थ का सब्सक्रिप्ट डाल दीजिए कि अर्थ के लिए आपने फॉर्मूला यूज किया, और अगर आप मून पे निकालना चाहते हो इट विल बी जी मास ऑफ द मून रेडियस ऑफ द मून, इसका स्केयर करोगे आप। यू कैन कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर वन, दिस एज इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर टू को वन से डिवाइड कर दीजिए, जी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। बेटे काटते हैं कल ही कर जाते हैं, आर मून का स्केयर उल्टा कर दीजिए। यस, आर अर्थ का स्केयर मास ऑफ द अर्थ, ये जी कट गया। मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है, मून का आपको नहीं पता। मून का नोट कर लीजिएगा, मास ऑफ द मून एम, ये आपको 7.36 इंटू 10 डेज पर 22 किलोग्राम, याद रखिएगा। हाँ जी वही है, मास ही है ये। रेडियस ऑफ द मून ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, ये 1.74 10 रेस पर 6 मीटर्स। तो ये वैल्यूज इसमें डाल देंगे, हमें जी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। सो वी विल हैव दिस टू बी इक्वल टू मास ऑफ द मून 7.36 इंटू 10 रेस पर 22, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10 रेस पर 6, इसका स्केयर है तो ऐसे करना पड़ेगा। अरे क्या कहते हो बच्चों, रेडियस ऑफ द मून ये पड़ा है आपके पास 1.74 10 रेस पर 6, इसका स्केयर है तो स्केयर कर देंगे। मास ऑफ द मून, सॉरी मास ऑफ द अर्थ है भाई, 6.1। एक मिनट वेट कर लीजिएगा, एक मिनट। तो जब आप रुक जाए जरा भी करने तो दो, ये जब आप सारा सॉल्व करोगे 1/6 आ जाएगा, जी ऑन द मून जी ऑन द अर्थ 1/6 आ गया, जी ऑन द मून इट इज 1/6 जी। थैंक यू ऑल द टाइम।